बहू बहू बहू, जी मामी जी। आज रात के खाने में ना मिक्स वेज, राजमा, शाही पनीर और छोले बना लेना। क्यों मम्मी जी, आज फिर से कोई मेहमान आ रहा है क्या? नहीं, कोई मेहमान तो नहीं आने वाला। हाँ, पर मेरी बेटी आ रही है काफी दिनों के बाद अपने परिवार के साथ। क्या बात कर रही है मम्मी जी आप, अभी 10 दिन पहले ही तो दीदी आई थी अपने बच्चों के साथ। तो क्या मतलब है तुम्हारा? उसका घर है, वो जब मर्जी आए। हाँ, तो मैंने ऐसा क्या कह दिया? आप ही कह रही थी कि काफी दिन बाद आ रही है, अभी 10 दिन ही तो हुए उन्हें आए हुए। मैं तो 2 महीने से अपने मायके नहीं गई हूं। बस करो बहू, हर बात पे तुम्हें बहस करना जरूरी है क्या? अब टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी जाओ और खाना बनाओ। और देखो, दामाद जी को खाने में मीठा पसंद है तो खीर जरूर बना लेना। दो चार चीजें और बता दीजिए, मैं नौकरानी ही तो हूं ना इस घर की, आप बैठ के बस ऑर्डर करते रहिए। आखिर अपनी माँ पे ही जाओगी तुम। माँ ने यही सब सिखा कर भेजा है तुम्हें, लेकिन भूलना मत, मैं तुम्हारी सास हूँ। तो आप भी मत भूलिए, मैं इस घर की बहू हूं, नौकरानी नहीं। अंकुर, मैं रोज रोज मम्मी की जली कटी नहीं सुन सकती हूँ। आज तो उन्होंने हद ही कर दी, मेरी मम्मी तक को नहीं छोड़ा। मेरे घर वालों के बारे में कोई कुछ बोले ये मैं सहन नहीं करूंगी। अंकुर, तुम सुन भी रहे हो? हाँ, बोलो, सुन तो रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना, 2 दिन से मेल नहीं आई है। ऊपर से मम्मी ने इतना कुछ बनाने के लिए बोल दिया है मुझे, एक दिन खाना बाहर से नहीं मंगवा सकते हैं क्या? हो गई बात तुम्हारी, अब मैं अपना काम कर लूँ। और तुम्हें जो करना है ना वो करो यार, और ये सास बहू के झमेले से ना मुझे दूर रखो प्लीज। हेलो पापा, मैं घर आ रही हूँ। अब क्या हो गया? पापा, आज तो मम्मी जी ने हद ही कर दी। पहले तो सिर्फ मुझे ताने देती थी, मैं सह लेती थी, पर अब तो उन्होंने आप लोगों को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है। मैं नहीं रहूंगी यहाँ, मेरा दम घुटता है यहाँ पर। अच्छा आ जा, तेरा ही घर है, लेकिन एक बार अंकुर से तो बात करके देख। अंकुर तो मेरी एक भी बात नहीं सुनते। तो आखिर तुम चाहती क्या हो? पापा, आप तो डॉक्टर है ना, आप कोई ऐसी दवाई मुझे क्यों नहीं देते जिससे मम्मी जी गूंगी हो जाए? बेटा दवाई तो है, लेकिन तुम्हारी सास तुम्हारे हाथ से दवाई खाएगी क्यों? तुम्हारी उससे बनती तो है नहीं। पहले एक काम करो, अपनी सास का खूब ख्याल रखो, उन्हें किसी भी बात का पलट के जवाब मत दो, प्यार से उनसे बात करो, उनकी हर बात में हाँ मिलाओ। फिर वो जब तुम पर विश्वास करने लगेंगी तब तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें कुरियर करवा दूंगा दवा। ठीक है पापा, मैं नाटक ना कर लूंगी, जीवन भर इनको सहने से तो अच्छा ही है। मम्मी जी, आपकी कॉफी। मम्मी जी, मैं आपकी तेल लगा दूं, बहुत दिनों से नहीं लगाया अपने तेल। क्या हुआ मम्मी जी? मुझे लगा आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा तो मैं दवा देती हूँ। रहने दो बेटा। नहीं मम्मी जी, आप इतना काम करते हैं, पूरी टाइम किचन में रहते हैं, मुझे दबाने दीजिए। बेटा, इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? तुम तो सुबह से काम करके थक गई होगी ना। मैंने आज सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। बेटा आज रात को ना आप खाना मत बनाना। क्यों मम्मी जी? आज हम रात को पिज्जा पार्टी करेंगे। ठीक है मम्मी जी।
हेलो पापा। क्या हुआ, दवाई नहीं चाहिए? नहीं पापा, पर आपको कैसे पता? अरे भाई, ये दवा देने से पहले के सिम्टम्स हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे तुमने अपनी सास को प्यार दिखाया होगा, इसलिए बदले में तुम्हें प्यार मिला, इसीलिए दवा नहीं चाहिए। आप सही कह रहे हैं पापा, मम्मी जी तो बहुत अच्छी हैं, मैंने ही उन्हें गलत समझा। अब तो वो अंकुर से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखती हैं। बेटा रिश्तों में मिठास भरने के लिए किसी को तो पहल करनी पड़ती है, तुमने जो कोशिश की वो कामयाब हो गई। और किसी को अपना बनाने के लिए ना कभी कभी उसकी गलतियों को नजरअंदाज और कभी माफ भी करना पड़ता है। जी पापा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। थैंक यू पापा। गॉड ब्लेस यू। बाय पापा।